हेलो दोस्तों, विश्व हैप्पी न्यू ईयर। एंड आप सभी लोगों को ये नया साल मुबारक हो, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी। तो और हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए सीरीज के साथ। इसमें एक्चुअली नया साल शुरू हो रहा था, तो हम लोग सोचे क्यों ना प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं ताकि हमारे साथ साथ आपको भी बहुत सारी खुशियाँ मिले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, पास में ही एक मंदिर है जहाँ हम रहते हैं वर्तूर में, वहाँ से अप्रॉक्सी 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उस जगह को चिक्का तिरुपति बोलते हैं और मंदिर का नाम है प्रसन्न वेंकटेश्वर। बोलते हैं कि तिरुपति जो लोग नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पे आके दर्शन करते हैं, और ये तिरुपति के बिल्कुल बराबर में ही माने जाते हैं। यहाँ पे भी मुंडन होता है, यहाँ पे भी उसी ढंग से पूजा होता है। बस फर्क इतना है कि इस मंदिर की मान्यता ये है, पुराणों के हिसाब से माना जाए तो बोलते हैं कि अग्निदेव ने इस मंदिर की भी स्थापना की थी सर्प दोष को मिटाने के लिए। और बोलते हैं कि चोला राजाओं ने ये मंदिर जो है दोबारा से इसका पूरा निर्माण किया था 11th century में। तो एक्चुअली ये मंदिर बहुत ही पुराना है। और दूसरी मान्यता ये भी है वहाँ के गांव के लोगों की, जो बोलते हैं कि एक किसान जो है अपने खेत में काम कर रहा था और जब वो खुदाई कर रहा था तो उसे ये मूर्ति मिली, और वो अपनी बैलगाड़ी पे लेकर जब जा रहा था, वहाँ से गुजर रहा था, तो इस स्थान पे, इस गांव में चिक्का तिरुपति जो जगह है वहाँ पे उसकी बैलगाड़ी टूट गई और भगवान वहीं पे विराजमान हो गए। तो लोगों का मानना था कि भगवान को शायद यहीं पे रहना था, इसीलिए वो यहाँ पे खुद विराजमान हो गए। और यहाँ की जो मूर्ति है तो तिरुपति जी जो बालाजी हैं गोविंदा, उनकी मूर्ति 3 फीट की है, जो कि भूदेवी और श्रीदेवी अपनी दोनों पत्नियों के साथ विराजमान हैं। और वहाँ पे जो तिरुपति हैं, तिरुपति बालाजी, वहाँ पे वो अकेले हैं। और दूसरा कि यहाँ पे जो हैं तिरुपति प्रसन्ना वेंकटेश्वरा जो हैं चिक्का तिरुपति में, इनका जो आशीर्वाद देते हुए जो हाथ है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, अभय मुद्रा में है। और दूसरा वहाँ पे जो है वो वेंकटेश्वरा जो है वहाँ पे तिरुपति में, उनका वो बैकुंठ मुद्रा में है, जो कि नीचे की तरफ है। आप लोग ध्यान दिए होंगे। और अब इस मंदिर में मैं जो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मंदिर का पूरा टूर जो आप देख रहे हैं अंदर में, कैमरा मैंने सोचा कि थोड़ा ले सकूँ, लेकिन पंडित जी लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही मुंडन वगैरह सब होता है जैसे मेन तिरुपति में होता है। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी समय मिलता है और मौका मिलता है और आप चाहते हैं तिरुपति बालाजी का दर्शन करना, और वहाँ मेन जो तिरुपति बालाजी हैं वहाँ न जा पाते हैं आप लोग, तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। और बैंगलोर के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो यहाँ हाफ डे में आपको आकर दर्शन करके आप आराम से अपने घर वापस जा सकते हैं, यहाँ तक कि उससे कम समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है मंदिर में कैसा भीड़ रहता है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, ऐसे ही बने रहिए। तो बोलिए गोविंदा गोविंदा।